दोस्तों MIS यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, अगर ये आपको आता है तो जॉब में 100% आपको सफलता मिल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में एक MIS कैसे तैयार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूँ mybigguide स्मार्ट क्लास में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने पुराने वीडियो हमारे नहीं देखे हैं एक्सेल के, वर्ड के, पावर पॉइंट के या टैली के, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की, तो इसमें हम जानने वाले हैं एक्सेल में एक MIS रिपोर्ट्स कैसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि शीट पर तीन चार्ट हैं और तीनों चार्ट अलग अलग तरह के हैं, और यहां पर हमने दो स्लाइसर भी इंसर्ट कराए हुए हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि स्लाइसर एक्सेल शीट पर कैसे इंसर्ट कराते हैं, वो हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बेसिक से शुरुआत की है। ये थोड़ा सा एडवांस वीडियो है, तो यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कैसे तैयार करते हैं एक्सेल में, उसके बारे में। अब ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, इसको शॉर्ट में MIS कहते हैं। और ये जो MIS होता है इसको हिंदी में कहते हैं सूचना प्रबंधन प्रणाली। यहाँ पर अगर आपके बहुत ढेर सारे ऑफिस हैं और उन पर आपके बहुत सारे आंकड़े या फिर डेटा इकट्ठा होता है, तो उस डेटा को हम कैसे प्रबंधित करते हैं, उसको कैसे हम इकट्ठा करते हैं और अपने मैनेजमेंट लेवल को कैसे भेजते हैं, उन आंकड़ों को देखकर कोई भी बहुत जल्दी से कैसे निर्णय ले सकता है, वही है आपका MIS सिस्टम। और अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो आपको किसी भी ऑफिस में बड़े आराम से नौकरी मिल सकती है या आप अपने जॉब में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये सिस्टम जो हमने अभी यहाँ पर बनाया है वो कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में हमने एक डेटाबेस तैयार किया था और उस डेटाबेस के आधार पर हमने यहाँ पर कुछ चार्ट्स बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए, मैं स्लाइसर में से अगर कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ तो ये तीनों जो ग्राफ हैं उनमें इफ़ेक्ट होता है, यानी जो डेटा है वो अलग अलग तरीके से दिखाई देने लगता है। मान लीजिए मुझे केवल LED का डेटा देखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2019 का और 2018 का जो LED का डेटा है वो मुझे तीनों ग्राफ्स में डिस्प्ले होता है। LED के साथ में अगर LCD का और प्रिंटर का डेटा भी अगर मुझे देखना है, तो ये देखिए ये भी तीनों चार्ट्स में मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब एक ही स्लाइसर से या एक से ज़्यादा स्लाइसर से आप एक से ज़्यादा जो ग्राफ हैं उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इस तरह की एक MIS रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास साल 2019 और साल 2018 का कुछ डेटाबेस है जिसमें कुछ डिवाइसेस हैं, उनके टाइप हैं, उनकी क्वांटिटी और प्राइस और अमाउंट है। अब इसके लिए हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक MIS रिपोर्ट जिससे हम सीधे सीधे ये पता लगा सकेंगे कि 19 में और 18 में जो डिवाइसेस सेल हुई थी उनकी प्राइस क्या थे, अमाउंट क्या थे, एक ग्राफ के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारा डेटा है इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना होगा इंसर्ट के बटन पर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल का, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही जो आपका डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो पिवोट टेबल है उसका बनाने का जो ऑप्शन मिलेगा, आप किस शीट पर बनाना चाहते हैं, इसी शीट पर बनाना चाहते हैं या किसी नई शीट पर। तो हम चलिए नई शीट पर पिवोट टेबल बनाएंगे, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। तो आपकी नई शीट पर जो पिवोट टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको साइड में पिवोट फील्ड्स दिखाई देंगे। अब इन फील्ड्स को या तो आप क्लिक करके या फिर ड्रैग करके इन कॉलम्स में ले जा सकते हैं। पिवोट टेबल के ऊपर एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट्स कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे फील्ड्स हैं इन्हें हम ड्रैग करा लेते हैं। रॉ के लिए हम आइटम टाइप और ईयर को लेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम डिवाइसेस को और क्वांटिटी को लेंगे। तो जो हमारा पिवोट टेबल है वो कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले होगी। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अलग अलग आपको आंकड़े मिल जाएंगे। 2018 में इनपुट डिवाइस कितने थे हमारे पास, 2019 में कितने थे, उनकी क्वांटिटी कितनी थी। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइस की भी आपको आउटपुट डिवाइसेस की भी जो जानकारी है वो भी साल वाइज यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से जाना है इंसर्ट पर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिवोट चार्ट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक चार्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी समझ में आता हो या जो भी आपको लगता हो कि इस चार्ट से मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से फिलहाल हम ये जो पाई चार्ट है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओके करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का चार्ट हमारे सामने आ जाएगा।
इसको आप यहीं पर रहने दीजिए और दोबारा से आप पहुंच जाइए अपने पुराने वाले जो डेटाबेस था उसी पर। इसको दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमें दोबारा से वही काम करना है, यानी पिवोट टेबल बनानी है, इसको नई शीट पर ले जाना है। नई शीट पर ले जाने के बाद आपको सेम वही फील्ड्स उठाकर रखने हैं। तो जैसे टाइप और ईयर उठा के हमने रॉ में रखा था और डिवाइसेस और क्वांटिटी वाला जो कॉलम है वो उठा के हमने वैल्यूज़ वाले में रखा था। अब सेम आपको यहाँ पर दोबारा से एक चार्ट इंसर्ट करना है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और जाना है इंसर्ट पर। यहाँ पर आपको पिवोट चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। अब आप कोई और भी चार्ट यहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बार वाला एक चार्ट और इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे कि हमने एक ही टेबल से, यानी इस टेबल से शीट 9 और 10 पर ये दो जो चार्ट हैं वो इंसर्ट किए हैं। अब मुझे जो शीट 10 वाला चार्ट है वो शीट 9 पर ले जाना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल चार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिवोट चार्ट टूल्स का, यहाँ पर आपको एनालाइज पे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मूव चार्ट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको मूव चार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू शीट का या फिर दूसरा ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट इन का। ऑब्जेक्ट इन में जाके आप शीट 9 को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आपने पहली पिवोट टेबल और चार्ट बनाया था, इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करते ही आप देखेंगे शीट 9 में आपके जो दोनों चार्ट हैं वो आ जाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों चार्ट को एक तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है, जैसे ये मैंने किए हैं। मैंने फिलहाल इसको टेबल के ऊपर लगा लिया है, अगर आप टेबल को दिखाना चाहते हैं तो आप उससे हटा के भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल हमने दो चार्ट इंसर्ट कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं एक और चार्ट यहाँ पर इंसर्ट करना तो सिंपल आपको वही काम करना है, आपको शीट 5 पर जाना है, आपको इंसर्ट पर जाना है, पिवोट चार्ट को क्रिएट करना है, नई शीट पर जाना है, ओके करना है और वही फील्ड्स जो हमने वहाँ पर उठाए थे जैसे ईयर और टाइप वाला एक साइड में रखा था और डिवाइस और क्वांटिटी वाला एक साइड में रखा था उसको कर लेना है। और करने के बाद में आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जो चार्ट है वो इंसर्ट करा लेना है। इस बार हम किसी और टाइप का चार्ट यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम लाइन वाला एक चार्ट सेलेक्ट करते हैं, तो ये चार्ट हमने 3D लाइन वाला यहाँ पर ले लिया और इसे ओके कर देते हैं। इस चार्ट को भी हम शीट नंबर 9 पर मूव कराएंगे, तो क्लिक करेंगे एनालाइज पर जाएंगे और मूव चार्ट पर क्लिक करके इसको भी शीट 9 पर ले जाएंगे और इसे ओके कर देंगे। तो अब देखिए फिलहाल शीट 9 पर यहाँ पर तीन चार्ट्स आ चुके हैं और ये तीनों चार्ट में जो चीज़ें हैं वो कॉमन है, यानी यहाँ पर ईयर का भी कॉलम है, डिवाइसेस का भी है, टाइप का भी है और क्वांटिटी का भी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट करना है और दोबारा से एनालाइज पर जाना है। इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो भी स्लाइसर्स यहाँ पर लेने हैं उन पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर ईयर, डिवाइस और टाइप पर क्लिक कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए तीनों स्लाइसर्स मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन आपको अभी एक काम और करना है, चूँकि हमने इस चार्ट के लिए ये स्लाइसर्स इंसर्ट किए थे तो केवल यही चार्ट इन स्लाइसर्स की सहायता से मूव करेगा और कोई भी स्लाइसर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस चार्ट से ये दोनों चार्ट और कनेक्ट करने होंगे। तो बस आपको इन तीनों स्लाइसर्स पर एक एक करके क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं ईयर वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको रिपोर्ट कनेक्शंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और दोनों जो रिपोर्ट्स आपकी और भी हैं यानी पिवोट टेबल 8 और पिवोट टेबल 7 इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसर को भी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शंस पर जाइए, दोनों टेबल्स को सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। और इसी तरीके से आपको टाइप वाले स्लाइसर पर भी जाना है, रिपोर्ट कनेक्शंस पर जाना है और दोनों रिपोर्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मैजिक। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने तीनों स्लाइसर के साथ में आपकी ये तीनों रिपोर्ट कनेक्ट कर ली हैं। अब आप जिस भी रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पर आपकी जो तीनों चार्ट हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। ये देखिए इसके अलावा अगर आपको चार्ट का लेआउट बदलना हो तो आपको चार्ट पर क्लिक करना है, डिज़ाइन पर जाना है और यहाँ से आप जो भी लेआउट सेलेक्ट करना चाहें वो लेआउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चार्ट्स के जो लेआउट हैं वो बदलने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चार्ट्स के लेआउट बदल दिए हैं, अब आपकी जो रिपोर्ट है वो और भी ज़्यादा डायनेमिक आपको लगेगी। ये देखिए तो इस तरह से आप एक्सेल में एक MIS रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।
या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybigguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।